हेलो टू एवरी वन, वेलकम टू ब्रश अप योर इंग्लिश। आज हम यूनिट नंबर 4 टेक्नोलॉजी स्मार्ट एंड टेक सेवी पढ़ेंगे। इसको एक्सप्लेन और ट्रांसलेट करूँगी मैं उर्दू लैंग्वेज के अंदर। टेक सेवी हम जो कहते हैं या शो करने को हम कहते हैं, या तो फिर वेल इन्फॉर्म्ड प्रोफिशिएंट इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, किस तरीके से इस्तेमाल होता है टेक्नोलॉजी का। इसके अंदर कुछ रीडिंग अभी आंसर्स हैं, प्री रीडिंग के 3 क्वेश्चन हैं, ये हम बाद में एक्सरसाइज के साथ सॉल्व करेंगे। आज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन हम लोग कहते हैं इनकलाब को, या तो फिर आप ये कह लेंगे चेंजेस, किस तरीके से चेंजेस आई टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। चलें टाइम वेस्ट किए बगैर इसको स्टार्ट करते हैं। इन दिस न्यू ग्लोबल इकोनॉमी टेक्नोलॉजी इज़ द मेजर ड्राइविंग फोर्स ऑफ बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक हम कहते हैं तजारत को। इस नई आलमी माशियत में टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी महरक है। इक्तसादी तरक्की और ज़िंदगी का बेहतर मयार बनाने का, या ये कह लेंगे तजारत का, टेक्नोलॉजी बेहतरीन ज़रिया है। इट इज़ नाउ द टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन दैट इज़ ड्राइविंग इनोवेशन एंड इनेबलिंग बिलियंस ऑफ पीपल टू लिव बेटर एंड सेफर लाइफ्स। टेक्नोलॉजी एक ईजाद है, एक इनकलाब है, जो कि बेहतर बनाती है और करोड़ों लोगों को काबिल बनाती है एक बेहतर और महफूज ज़िंदगी गुजारने के लिए। टेक्नोलॉजी इज़ द की इनेबलर ऑफ बेटर एजुकेशन, हेल्थ केयर, एफिशिएंट एनवायरनमेंट, सेफर एंड सिक्योर कम्युनिटीज़ एंड नेशंस। कम्युनिटीज़ हम कहते हैं कौमों को, यानी कि टेक्नोलॉजी एक अहम और काबिल बनाने वाली चीज़ है इंसान की ज़िंदगी को, इंसान की बेहतर तालीम को, सेहत की देखभाल को, मौसर माहौल और महफूज कम्युनिटीज़ और कौमों को महफूज करने के लिए, यानी कि टेक्नोलॉजी काबिल बनाने की चीज़ है। मैनी एडवांसेस इन द टेक्नोलॉजी डिपेंड ऑन हार्डवेयर इनोवेशंस मेड पॉसिबल बाय कंटिन्यूड एडवांसमेंट इन मटीरियल्स टेक्नोलॉजी। हार्डवेयर इनोवेशंस जो हम कहते हैं वो हम धात की इजादात को कहते हैं। बहुत सारी तरक्की जो हुई है वो डिपेंड करती है हार्डवेयर इनोवेशंस, धात की जो इजादात है, यानी जो धात से बनती हैं, यानी मेटल से बनती हैं, जो पॉसिबल की गई हैं। मटीरियल टेक्नोलॉजी का मतलब है टेक्नोलॉजी को शेप में लाना, यानी कि किसी टेक्नोलॉजी को मेटलाइज करना, जैसे टेलीफोन है, यानी इन सब चीज़ों को शेप में लाना सोच में नहीं। इसी वजह से ये सारी तरक्की अब मुमकिन हो चुकी है, मतलब जैसे टेक्नोलॉजी को जोड़ तोड़ कर मुनज़्ज़म करना, आसान और सस्ता बनाना। आगे बढ़ते हैं। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजीज हैव अकर्ड थ्रू आउट हिस्ट्री, फ्रॉम गुटेनबर्ग्स इन्वेंशन ऑफ मूवेबल टाइप टू टेलीफोन एंड मोबाइल फोन्स, मेकिंग इट ईजियर एंड चीपर टू डिवेलप, मैनिपुलेट, ऑर्गेनाइज, ट्रांसमिट, स्टोर एंड एक्ट ऑन। एंड विद दीज ब्रेक थ्रोज ऑप्टिमिस्ट हेराल्डेड अ न्यू एरा। तारीख में तरक्की टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी को जो मौजूद है, सबसे पहले जो तरक्की हुई थी वो गुटेनबर्ग्स ने प्रिंटिंग प्रेस मशीन जो बनाई थी। अभी जो दौर चल रहा है मॉडर्न, इस दौर में जो तरक्की है वो मौजूदा दौर में वो मोबाइल फ़ोन की तरक्की है। मतलब मोबाइल फ़ोन जो है वो सादा जो है चेंज उसमें बहुत जल्दी जल्दी से आ रही है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो बनती हैं, इजादात बनती हैं ज़िंदगी को तरक्की यानी कि आसान बनाने के लिए बनती हैं, यानी कि डेवलप तरक्की करना बहुत आसान हो गया है, यानी कि चीज़ों को तोड़ मोड़ कर बनाना बहुत ही आसान हो गया है। पहले जबकि ये काम मुश्किल था, बल्कि महंगा भी था, लेकिन अब जो है बहुत आसान हो गया है। मैनी इनोवेशंस अरोज फ्रॉम द वर्ल्ड वार टू, बट इंफॉर्मेशन रिमेन सोर्स एंड हार्ड टू यूज़ एंड ट्रांसमिट। जो सब चीज़ों को पॉजिटिव देखते हैं, यानी कि ऑप्टिमिस्ट की बात हो रही है यहाँ, इनका ये मानना है कि ये टेक्नोलॉजीज़ इरा है, ये जदीद दौर है, ये जदीद दौर है। और मैनी इनोवेशंस आर आफ्टर द वर्ल्ड वार टू, बट इंफॉर्मेशन रिमेन स्कार्स एंड हार्ड टू यूज़ एंड ट्रांसमिट। आलमी जंग यानी हाँ वर्ल्ड वार के बाद बहुत से इजादात हुई, मालूमात नायाब और इस्तेमाल और मुंतकिल करने में मुश्किल रही, क्योंकि इस दौर में मालूमात बहुत कम थी, उसे इस्तेमाल करना, ट्रांसमिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। द रीज़न वॉज दैट द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिलाइड ऑन एटम्स टू रिकॉर्ड और ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन एनालॉग फ्रॉम रादर दैन द बिट्स, बाइनरी डिजिट्स ऑफ 1s फॉर ऑन एंड 0s फॉर ऑफ, यूज टू रिकॉर्ड और ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म। इस दौर में इंफॉर्मेशन यानी जो मालूमात ट्रांसफ़र की जाती थी वो एनालॉग के ज़रिए की जाती थी, बहुत पुराना और बहुत मुश्किल मेथड था। अब जो है डिजिटल फॉर्म में मालूमात को दिया जाता है या प्रोवाइड किया जाता है, जो कि बिट्स के ज़रिए किया जाता है, जो कि बहुत आसान है। इसमें दो बाइनरी डिजिट्स होते हैं एंड जो 1s फॉर ऑन एंड 0s फॉर ऑफ, बाइनरी हिंट से रिकॉर्ड या मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। न्यू जनरेशन टैली पॉइंटर्स हैव ऑफसेट पेन एंड पेंसिल एंड ओल्ड मॉडल्स, वाइल कॉपियर एंड प्रिंटर्स रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन ऑन पेपर। बाइनरी हिंट से रिकॉर्ड या मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि न्यू जनरेशन जो है ये टैली पॉइंटर्स इस्तेमाल करती है, पेन एंड पेंसिल के ज़रिए टाइप हो जाता है आसानी से, फिर इनको कॉपी करके
प्रिंटर प्रिंट जो है वापस मिल जाता है, आप लोगों के पास भेज देता है। आप जैसे कोई भी सफ़ा डालेंगे, कोई पेज डालेंगे, इसमें टेलीपॉइंटर्स होते हैं, यानी सारी मालूमात कागज़ पर आ जाती है। टेलीफोन्स ट्रांसलेटेड वॉइसेस इनटू इलेक्ट्रिक वेव्स दैट कुड बी प्लेड बैक ऑन स्पीकर्स। स्पीकर्स जो भी आवाज़ कैच करता है वो इलेक्ट्रिक वेव के जरिए रिसीव करके जल्दी में वो आवाज़ आ जाती है टेलीफोन्स के अंदर। एज़ द मटेरियल्स रेवोल्यूशन ब्रॉट विद इट अ होस्ट ऑफ अमेजिंग न्यू थिंग्स, ऑटोमोबाइल्स हो गए, अप्लायंस हो गए, अप्लायंसेस कहते हैं घरेलू इस्तेमाल की जो चीज़ें होती हैं, एंड टेलीकॉम सिस्टर एक्सेट्रा। जैसे मटेरियल रेवोल्यूशन आया, बहुत सारी नई चीज़ों को जन्म दिया, यानी कि इनकलाब लाया अपने साथ हैरत अंगेज चीज़ों का, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, हवाई जहाज़ हो गए, आलात हो गए और टेलीकॉम सिस्टम वगैरह, ये सब मटेरियल रेवोल्यूशन की वजह से है। ये हमारा फर्स्ट टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी कि टेक्नोलॉजी और तबाही का खतरा। डिजास्टर हम लोग जो कहते हैं वो हम कहते हैं तबाही को। किस तरीके से रिस्क जो है वो कम हो सकता है टेक्नोलॉजी के थ्रू, या जितनी भी तबाहियाँ वगैरह होती थी उसके थ्रू किस तरीके से जो है इसको कम किया जा सकता है, यानी कि जो डिज़ास्टर्स आते हैं हम, या फिर जो मुसीबत आती है, इनका रिस्क ख़त्म करने में टेक्नोलॉजी कैसे हमारी मदद करती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेजेंटली टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर एन इफेक्टिव एमरजेंसी रिस्पॉन्स इन टाइम ऑफ एक्सीडेंट्स एंड नेचुरल डिज़ास्टर्स एंड क्रिएटिंग पब्लिक सेफ्टी नेटवर्क्स इंक्लूडिंग सेलुलर, यानी कि सेलफोन्स, वायरलेस सेटेलाइट एंड एग्जिस्टिंग एनालॉग टेलीविजन स्पेक्ट्रम। यानी कि इस वक्त टेक्नोलॉजी को मौसर हंगामी रद्द अमल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट है, कोई डिज़ास्टर है, इस मसले को जल्दी से सॉल्व करना या फिर रिस्पॉन्स करना वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही मुमकिन है। और ये पब्लिक सेफ्टी भी बनाती है, या इसे ये कह लें कि हादसात और कुदरती आफात के वक्त अवामी तहफ़ पैदा करने में मदद करती है। जैसे नेटवर्क है, सेलुलर मतलब मोबाइल फ़ोन्स हो गए, वायरलेस सेटेलाइट के ज़रिए, इन सब चीज़ों के ज़रिए पब्लिक सेफ्टी यानी कि इस्तेमाल होती है ये सब चीज़ें जो हैं पब्लिक सेफ्टी के अंदर। डिज़ास्टर्स फॉरकास्टिंग एंड प्रिडिक्शंस मॉनिटरिंग रिस्क असेसमेंट एंड डैमेज आर द ओपन ग्राउंड्स फॉर इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी एंड टू रिस्पॉन्ड एंड टू मैनेज नेचुरल फेनोमिना सच एज ह्यूरिकेन्स कहते हैं समंदरी तूफान, वाइल्ड फायर्स कहते हैं जंगल की आग, सुनामीज एंड लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स यानी कि जो पहाड़ों का तूफान होता है, यूजिंग सेटेलाइट इमेजेस, एरियल, एरियल यानी कि जो आसमान में जो कैमरा वगैरह लगे होते हैं ताकि हमें रिपोर्ट्स वगैरह मिलें, जैसे बारिश वगैरह का पता लगता रहता है, फोटोग्राफ्स एंड ऑन द ग्राउंड इंस्पेक्शन, यानी कि ग्राउंड इंस्पेक्शन यानी कि ज़मीन में जो कैमरा लगे होते हैं। डिज़ास्टर्स हम लोग कहते हैं आफतों को, मुसीबतों को, यानी कि जो भी मुसीबतें या जो आफतें हमारे ऊपर आने वाली होती हैं उनकी प्रिडिक्शन करना, प्रिडिक्शन मतलब पहले से पता चल जाना, उसको प्रिडिक्ट कर लेना किसी चीज़ को, वो सारी चीज़ें हम पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ये होने वाला। जैसे कि फॉर एग्जांपल बारिश होने वाली होती है तो हमें पहले से पता लग जाता है कि भाई आज बारिश है, कल बारिश इस शहर के अंदर होगी, और कोई समंदरी तूफ़ान आने वाला होता है, या कोई भी लैंडस्लाइड्स होने वाली होती हैं, पहाड़ों का तूफ़ान या फिर वोल्केनो वगैरह होता है, जैसे कि जलजला वगैरह होता है, तो हर चीज़ का हमें पहले से पता लग जाता है। तो ये इन सब चीज़ों के, यानी कि ये सब चीज़ें मुमकिन हैं सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से। अच्छा, उसे आगे पढ़ते हैं। प्रोग्रेस इन द टेक्नोलॉजी हैज़ मेड पॉसिबल ओवर द पास्ट ईयर्स टू इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द इंटीग्रेटेड अप्रोच टू द प्रॉब्लम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। यानी कि टेक्नोलॉजी के अंदर तरक्की ही होती हुई जा रही है, यानी कि आगे की तरफ हम तरक्की करते हुए जा रहे हैं कुछ पास्ट ईयर्स से, और हम नई नई चीज़ों को जो है वो मतलब ईजाद कर रहे हैं, या नई नई चीज़ें जो इंट्रोड्यूस हो रही हैं हमारे पास, ताकि नेचुरल डिज़ास्टर्स को हम अच्छे से जो है वो जो मतलब जो कुदरती जो चीज़ें हैं, कुदरती जो मुसीबतें हैं, कुदरती जो डिज़ास्टर्स हैं उनको सॉल्व कर सकें। टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल हैज़र्ड्स। टेक्नोलॉजी है वो समझती है, हमारी मदद करती है हैज़र्ड्स मतलब खतरात को, जो कि कुदरती खतरात है, जो कुदरती तौर पर जो खतरात होते हैं उनको सॉल्व करने में। ऑफ एटमोसफेरिकल, जियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल मतलब जोग्राफी जो होते हैं, हाइड्रोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल ओरिजन्स एंड टू एनालाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दीज हैज़र्ड्स इनटू डिज़ास्टर्स। यानी कि हम लोग उन सब चीज़ों से बच सकें जो कि सोर्स ऑफ डेंजर हैं, या हैज़र्स यानी कि सोर्स ऑफ डेंजर, डिज़ास्टर्स यानी कि तबाही, जो हमें तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं, और जो हमें हमारे तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं, हम मुसीबतों को यानी कि रिस्क को हम रिडक्शन कर सकें, उसके रिस्क को हम कम कर सकें। तो हम टेक्नोलॉजी की तरफ जो जा रहे हैं उससे रिस्क रिडक्शन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये इस पैराग्राफ में बताया गया। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
टेक्नोलॉजी एंड इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट कहते हैं तफरी को। इंटरटेनमेंट किस तरीके से हो सकती है? टेक्नोलॉजी के थ्रू। फॉर द एडल्ट्स एंड यंगेस्ट स्टूडेंट्स, प्री स्कूलर्स, टोडलर्स, टेक्नोलॉजी इज़ इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग। एडल्ट्स हम कहते हैं जवान लोगों को, यंगेस्ट कहते हैं जो सबसे कम उम्र स्टूडेंट्स होते हैं, प्री स्कूलर्स, टोडलर्स, टेक्नोलॉजी इज़ इंटरेक्टिव। मतलब टोडलर्स के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए भी टेक्नोलॉजी ने अब एक न्यू चीज़ इन्वेंट की है, जिसे कि यूट्यूब किड्स है। यूट्यूब जो है वो बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पेरेंट्स जो है वो यूट्यूब किड्स लगा कर दे देते हैं। तो ये भी एक इंटरटेनमेंट के लिए टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड की गई है, बच्चों के लिए भी इंट्रोड्यूस करवा दी गई है। टॉयज़ हैव इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन दैम टू इनेबल चिल्ड्रेन टू इंटरेक्ट विद दैम। और जो टॉयज़ वगैरह हैं उनके लिए भी एक सर्किट उसमें आ गया है। फॉर एग्जांपल के बहुत सारे टॉयज़ ऐसे होते हैं कि आप जो बोलोगे वो भी आप जैसा ही रिपीटेशन करेंगे आपके वर्ड्स की, ताकि बच्चे जो हैं उस चीज़ से इंटरटेन हो। उसमें सर्किट्स फिट कर दिए गए हैं जिससे चिल्ड्रंस जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, उससे बात करते हैं टॉयज़ से। इट इज़ टेक्नोलॉजी दैट इज़ इंट्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी स्मार्ट विजुअल्स। स्मार्ट विजुअल्स हम लोग कहते हैं मेंटल इमेज को। ग्राफिक ऐप, सिस्टम्स एंड डिवाइसेस इन द मास मार्केट, मास मार्केट मतलब सुपर मार्केट जो होती हैं, गेन सच रैपिड एंड वाइड स्प्रेड अडॉप्शन एवर बिफोर। यानी कि ये सब चीज़ें जो हैं, पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी की वजह से हैं। मास मार्केट में यानी कि सुपर मार्केट्स के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें और जदीद तरीके से मतलब उसको लाई जा रही हैं, जल्दी से अडॉप्ट करके वो चीज़ें लाई जा रही हैं, ताकि जो है जल्द अज़ जल्द जो है बच्चे जो उस चीज़ से फ़ायदा ले सकें, इंटरटेन हो सकें वो लोग आराम से। ग्राफिक ऐप्स बन गई हैं, स्मार्ट विजुअल्स बन गई हैं, और सुपर मार्केट्स में ये चीज़ें आ गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे चंकी मंकी है। द बेनिफिट्स एंड प्रोमिसज ऑफ दीज एवर टाइम टेक्नोलॉजीज़ आर इमेंस एंड सेंट्रल टू इम्प्रूव इन आर लाइफ्स। यानी कि इन टेक्नोलॉजीज़ के फ़वाद और वादे हमारी ज़िंदगी में बेहतरी के लिए बेपना जो है वो मरकज़ी हैसियत रखते हैं। यानी कि हमें बहुत फ़ायदा दे रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक सेफ्टी, यानी कि टेक्नोलॉजी के थ्रू पब्लिक सेफ्टी किस तरीके से हो सकती है। टेक्नोलॉजी हैज़ इनेबल्ड अ होस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी सेफर। यानी कि टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ों को महफूज बनाने के काबिल बनाया है, ताकि महफूज रख सकें इंसानों को, इंसान की ज़िंदगी को। इट इज़ इनेबलिंग व्हीकल्स टू बी सेफर बाय लेटिंग ड्राइवर्स नो इन रियल टाइम ऑफ इम्पेंडिंग प्रॉब्लम्स। ये गाड़ियों में, व्हीकल्स में लगाई जाती है, जो गाड़ियों को काबिल बनाती है, जो ड्राइवर्स को पहले से बता देती है ताकि आप अलर्ट हो जाएं। फॉर एग्जांपल ड्राइवर को ड्राइव करते हुए पीछे देखने की नीड नहीं है, आगे कैमरा लगा होता है जो कि ड्राइवर को पीछे से बताता है कि अब रिवर्स कर लें, या मतलब पीछे देखने की नीड नहीं है एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से। इट इज़ इनेबलिंग कार्स टू बी मोर एनर्जी एफिशिएंट थ्रू न्यू रिन्यूएबल एनर्जी लाइक विंड पावर एंड सोलर सिस्टम। अब जो न्यू गाड़ियाँ बनाई जा रही हैं वो विंड पावर और सोलर सिस्टम के थ्रू भी चलाई जा सकती हैं, या फिर बनाई गई हैं, या फिर बनाई जा रही हैं। टेलीप्रेजेंस इज़ पॉसिबल ऑप्शन टू वर्क इन एनी एक्सट्रीम कंडीशन। यानी कि किसी भी मुश्किल हालात के अंदर, किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर हम टेलीप्रेजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीप्रेजेंस मतलब कंट्रोल रूम, यानी कि आप जिस तरीके से आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, या फिर गाड़ियों में जो है इंटरलॉक का सिस्टम होता है, कहीं भी रिमोट से आपने इंटरलॉक कर दिया, गाड़ियों को लॉक कर दिया, तो इससे क्या है, इससे बहुत सारी आप एक्सट्रीम कंडीशन में मतलब यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का। और ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं जो पब्लिक सेफ्टी की, ये भी टेक्नोलॉजी की वजह से ही जो है पॉसिबल हैं। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड हेल्थ, टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है एजुकेशन और हेल्थ में हमारी। टेक्नोलॉजी इज़ पुटिंग अ वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एट पीपल्स फिंगर टिप्स। यानी कि अब टेक्नोलॉजी को यूज़ करना इतना आसान हो गया कि हम हाथ की उंगलियों पर भी टेक्नोलॉजी को गिन सकते हैं कि हम किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वेदर दे आर स्टूडेंट्स इन प्रोवाइडिंग कोर्स मटीरियल्स ऑनलाइन थ्रू टेलीस्कोप विदाउट लिविंग होम्स। अब स्टूडेंट्स भी जो हैं वो टेलीस्कूल के जरिए, फॉर एग्जाम्पल टेलीस्कूल हम लोग कहते हैं इंटरनेट को, यानी कि वो इंटरनेट के थ्रू हर नोट्स उनको प्रोवाइड हो जाते हैं, मतलब हर चीज़ उनको मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आपने यूट्यूब पर सर्च कर लिया, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आपने जो है आपको नोट्स चाहिए, आपने गूगल पर सर्च आउट कर लिए, मतलब आपको ऑनलाइन मटेरियल जो है वो बहुत ही इजीली मिल जाता है। और ये सब चीज़ें पॉसिबल है सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से, इंटरनेट की वजह से। पीपल गेट इन्फॉर्मेशन थ्रू टेली मेडिसन टू हेल्प देम बेटर अंडरस्टैंड अ मेडिकल कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई मेडिसन जो है वो समझ में नहीं आ रही कि किस चीज़ की मेडिसन है, आपने सर्च आउट की, आपको पूरी डिस्क्रिप्शन उसकी मिल जाती है, तो हम मेडिसन के बारे में भी इजीली इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं नेट के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। फ्लेक्सिबल ऑनलाइन क्लासेस गिव पीपल एक्सेस टू एजुकेशन दैट वुड नेवर हैव बीन पॉसिबल बिफोर द इंटरनेट। हमें जो है ऑनलाइन क्लासेस, फॉर एग्जांपल जिस तरीके से जूम पर ऑनलाइन क्लासेस जो है चली हैं कोरोना वायरस में, तो पहले ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। नेट फॉर एग्जांपल अगर इंटरनेट नहीं होता तो हम बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए बहुत आसान कर दिया कि हमारे फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाए तो हमने क्या किया, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी, ताकि स्टूडेंट्स का वेस्टेज जो है, उनका टाइम वेस्ट ना हो। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी का जो है
बहुत ही ज़्यादा यूज़ है हमारी लाइफ में, एजुकेशन में भी. पेरेंट्स नाउ यूज़ ई लर्निंग वी इंटरनेट टू फॉलो दियर चाइल्ड्स स्कूल असाइनमेंट्स एंड एकेडमिक प्रोग्रेस थ्रू वेब पोर्टल्स एंड इनोवेटिव एप्लीकेशंस. ई लर्निंग हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, यानी कि अब पेरेंट्स भी जो है वो कनेक्टेड रह सकते हैं, अपने बच्चों को देख सकते हैं, अपने चाइल्ड्स को, कि वो क्या कर रहे हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं इजीली, कि वो किस तरह के असाइनमेंट्स कर रहे हैं, क्या प्रोग्रेस है उनकी. जैसे कि एप्लीकेशंस बहुत सारी बन गई हैं, बहुत सारे पोर्टल्स बन गए हैं, या तो फिर फेसबुक पे ग्रुप बना दिए जाते हैं स्कूल वालों की तरफ से, कि उसमें जो भी चीज़ होती है वो अपलोड कर देते हैं, ताकि आप अपने बच्चों से कनेक्टेड रह सकें, उनको फॉलो कर सकें कि वो एकेडमिक उनकी कैसी जा रही है. कंपनीज़ यूज़ टेक्नोलॉजी टू सेव ऑन वर्कफोर्स डेवलपमेंट कॉस्ट्स. अब जो कंपनीज़ हैं वो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं, जैसे किसी चीज़ की कॉस्ट है, जैसे कि किसी चीज़ की कीमत का बढ़ जाना या कम हो जाना. पहले क्या था, वो लोगों को भेजते थे कि आप जाके पता करके आओ कि इस चीज़ की कीमत कितनी है, इस चीज़ की कितनी कीमत है. लेकिन अब क्या, आप टेक्नोलॉजी के जरूर टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो घर बैठे हर चीज़ की कीमत पता कर सकते हैं, कॉस्ट पता कर सकते हैं इजीली. गेम्स फॉर चिल्ड्रन डिज़ाइन टू डबल एज लर्निंग टूल्स हैव प्रोलिफरेटेड. यानी कि गेम्स भी अब ऐसे ऐसे बन गए हैं कि उससे भी आप जो है लर्न कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें. फॉर एग्जांपल स्पेलिंग गेम्स है, आपको स्पेलिंग्स वगैरह समझ में नहीं आ रही, तो आपने एक पज़ल गेम खेला, आपने कोई एप्लीकेशन कर ली, तो आपने पज़ल वगैरह कर लिया उससे, तो आपको ईजिली जो है वो लर्न भी कर सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं, एंटरटेन भी हो सकते हैं. जैसे कि सोनोनियम्स वगैरह के गेम्स होते हैं, और इस तरह के बहुत सारे गेम्स हैं जिसे आप लर्निंग कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड इम्प्रूव मेडिकल केयर बाय मेकिंग इट ईजियर फॉर डॉक्टर्स टू प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. यानी कि जो ऑनलाइन डॉक्टर्स होते हैं, अब तो हम ऑनलाइन भी जो है उनकी खिदमात जो है वो ले सकते हैं, उनकी सर्विसेज ले सकते हैं ऑनलाइन डॉक्टर्स की, कि हमें पता लगा ये डॉक्टर बहुत ही अच्छा है और हम वहाँ पर नहीं जा सकते, तो घर बैठे ही हम क्या करते हैं, हम ऑनलाइन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं और उनसे ऑनलाइन ही बातचीत कर लेते हैं. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हेल्थ की हो गई, एजुकेशन की हो गई, या टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हमारे लिए हो गई हैं और हम इन सब चीज़ों से फ़ायदा ले सकते हैं. अब पढ़ते हैं टेक्नोलॉजी एंड कॉमर्स, यानी कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है हमारी तिजारत के अंदर, कॉमर्स मतलब तिजारत में. टुडे टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन इज़ गिविंग पीपल अ वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस. टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, हमें बहुत सारी वैरायटी दे दी है, बहुत सारी चॉइसेस दे दी, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, इनेबलिंग देम टू गेट द काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट फिट देयर नीड्स. यानी कि हमें किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए. फॉर एग्जांपल कॉमर्स की या तिजारत के अंदर हमारे पास क्या है, एक अम्ब्रेला टर्म है, उसमें से हमें सारी दुनिया की चीज़ें एक जगह पे इकट्ठी करके रख दी गई हैं और हमें कहा है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लें. जिस तरह ऑनलाइन शॉपिंग है अली एक्सप्रेस पे है, तो अली एक्सप्रेस पे हम क्या है, दुनिया की सारी चीज़ें जो है वहाँ पे अवेलेबल होती हैं. आप जो भी चीज़ वहाँ पे, जो भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करें तो आपको ईजिली मिल जाती है. जैसे कि दराज है, फूड पांडा हो गया, यानी कि हम घर बैठे जो है बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है. वरना पहले क्या होता था, आपको मार्केट जाना पड़ता था, वहाँ से कुछ चीज़ें अवेलेबल होती थी, कुछ नहीं होती थी. लेकिन अब ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू आप जो है हर चीज़ ले सकते हैं. टेलीवर्क एंड टेली मार्केटिंग हैव गिवन पीपल द चांस टू मूव बियॉन्ड द लिमिट्स. टेली मार्केटिंग ने, मार्केट ने ही हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शंस बना दिए गए हैं, बहुत सारी चॉइसेस हमारे पास आ गई हैं कि हम जो सोच भी नहीं सकते वो भी चीज़ें हम जो हैं परचेज़ कर सकते हैं ईजिली घर बैठे. ई कॉमर्स लेट्स पीपल बाय अ वास्ट एरे ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रीवियसली माइट हैव बीन डिफिकल्ट टू फाइंड एट लोकल स्टोर्स. ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है, यानी कि नेट के थ्रू हम जो है बहुत सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं. जैसे कि पहले हम सर्विसेज नहीं ले सकते थे, लेकिन अब हम सारी चीज़ें जो है वो परचेज़ कर सकते हैं. यानी कि बहुत सारी चीज़ें पहले ऐसी होती थी कि लोकल स्टोर्स पे हमें नहीं मिलती थी, लेकिन अब क्या है, हम वही चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करके हर चीज़ मंगवा सकते हैं और जो है हर चीज़ परचेज़ कर सकते हैं. और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो टेक्नोलॉजी की वजह से ही मुमकिन हैं. अब न्यू टॉपिक पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग एपिडेमिक्स एंड पेंडेमिक्स. टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग एपिडेमिक्स एंड पेंडेमिक्स, यानी कि वबाई अमराज और वबाई अमराज के दौरान टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है, जितनी भी यानी कि डिजीज़ वगैरह इनके दरमियान टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है. एपिडेमिक्स, पेंडेमिक्स और अदर हैज़र्ड्स हैव थ्रेटन्ड द ह्यूमन रेस टाइम एंड अगेन. यानी कि जो हैज़र्ड्स हैं, जो ख़तरात हैं इंसानों के ज़िंदगी में, या जो बीमारियाँ हैं, जो वबाई अमराज हैं, ये इंसान की नस्ल को, इंसान की ज़िंदगी को बार बार धमकी दे रही हैं.
द ह्यूमन रेस टाइम एंड अगेन द आउटब्रेक्स यानी कि जो आफतें आउटब्रेक्स यानी कि जो आफतें हैं ऑफ दीज कैलमिटीज यानी कि जो बर्डन दे रही हैं लेफ्ट इनॉर्मस बर्डन इन ऑन आर लाइव्स इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज एट लार्ज यानी कि हमारी इकोनॉमिक को तबाह कर रही हैं हमारी सोसाइटी को हमारे माशरे को ये जो बीमारियाँ जो डिजीज़ हैं जो अमराज हैं वबाई अमराज ये बहुत ज़्यादा हमें लॉस होता है इन सब चीज़ों से. इन सच अ सिनेरियो टेक्नोलॉजीज इनेबल सिक्योर एक्सेस टू डेटा इंटरप्राइज एप्लीकेशंस वर्चुअल मीटिंग्स एंड क्लाउड्स कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि जब भी हम ऐसे सिनेरियो में होते हैं या ऐसे प्रॉब्लम के अंदर फंस जाते हैं तो टेक्नोलॉजी हमारी कैसे मदद करती है. इंटरप्राइज कहते हैं मुश्किल को मुश्किलात के अंदर यानी कि कुछ एप्लीकेशंस बनती है वर्चुअल मीटिंग्स यानी कि ऑनलाइन मीटिंग्स एंड क्लाउड कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज यानी कि एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है एक बंदा दूसरी जगह पर बैठा हुआ है तो आपस में जो डिस्कशंस करते हैं जो ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं उनकी इससे हमारी प्रॉब्लम्स के मतलब सॉल्यूशंस निकलते हैं. स्मार्ट सिटीज कुड बी मेड एंड इक्विप्ड विद सम सॉर्ट्स ऑफ डिवाइसेस विच इंक्लूड सेंसर्स प्रोसेसर्स वियरेबल्स इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर एक्यूटेटर्स व्हीकल्स सेल फोन्स एंड कंप्यूटर्स. जो स्मार्ट सिटीज़ होती हैं जो ज़्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे हैं वो बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं उनके पास सेंसर्स होते हैं प्रोसेसर्स होते हैं वियरेबल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती हैं सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके थ्रू वो सब चीज़ों का यानी कि सॉल्यूशन निकालती हैं प्रॉब्लम्स का. द रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी कुड मोनिटर इन्वायरमेंटल चेंजेस. जो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो क्या करती हैं वो इन्वायरमेंटल जो चेंजेस जो चेंज हो रहा होता है जो तब्दील हो रहा होता है उन सब चीज़ों को मोनिटर करती हैं उन सब चीज़ों को देखते हैं और डिजीज़ प्रिडिक्शन और प्रिडिक्ट करती हैं यानी कि अंदाज़ा लगाती हैं कि कौन सी बीमारी कौन सी प्रॉब्लम जो है अब आने वाली है यानी कि उन सब चीज़ों का पहले से पता लग जाता है टेक्नोलॉजी के थ्रू. द सैटेलाइट इमेजेस चाहे वो सैटेलाइट इमेजेस हो सैटेलाइट के थ्रू हमें पता लगता हो एरियल फोटोग्राफ्स जैसे मैंने बताया कि आसमान की जो फोटोग्राफी होती है यानी कि उसके थ्रू हमें सारी चीज़ों का पता लग जाता है. एंड ऑन द ग्राउंड इंस्पेक्शन यानी कि ज़मीन से जो है जो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली होती है हमें उसका पता लग जाता है इंस्पेक्ट कर लेते हैं. कैन बी यूज टू लोकेट पॉपुलेशन इन डेंजरस और इन्वायरमेंटली अनस्टेबल प्लेसेज एंड डिटरमाइन हाउ टू रिस्पॉन्ड आफ्टर डिजास्टर स्ट्राइक्स. किस तरीके से हम इन डिज़ास्टर से इन प्रॉब्लम से इन खतरात से कैसे हम बच सकते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाती हैं और ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं यानी कि टेक्नोलॉजी की वजह से. दो टेक्नोलॉजी कैन नॉट प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ द पेंडेमिक्स हाउएवर इट कैन हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड एजुकेट वॉर्न एंड एम्पावर दोज ऑन द ग्राउंड टू बी अवेयर ऑफ द सिचुएशन एंड नोटिसबली लेसन द इम्पैक्ट. अच्छा टेक्नोलॉजी जो है वो वबाई अमराज के आगाज़ को तो नहीं रोक सकती है लेकिन इसके फैलाव को रोकने के लिए तालीम दे सकती है यानी कि उसके बारे में आगाह कर सकती है और ज़मीन पर रहने वालों को जो है सूरत हाल से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको बाखबर कर सकती है और असर को नुमाया तौर पर कम करने में मदद फराहम कर सकती है. तो ये टेक्नोलॉजी है जो एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स के थ्रू काम करती है जैसे कि कोरोना वायरस के थ्रू काम किया कि अब आप मास्क पहन लें अब आप ये कर लें और इन सब चीज़ों से आप जो है वो उससे बच सकते हैं. ये हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया अब एक्सरसाइजेज हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइजेस करेंगे. टेक केयर अल्लाह हाफिज़. वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.